दोस्तों, अगर आपके भी ब्लूटूथ स्पीकर में चार्जिंग जैक या चार्जिंग पोर्ट टूट चुका है तो उसको आप बहुत आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। चलिए बताता हूँ। ये ब्लूटूथ स्पीकर में चार्जिंग पोर्ट इसमें टूटा हुआ है, इस तरीके से जोड़ेंगे। अब सबसे पहले देखिए इसको खोलें कैसे। काफ़ी ब्लूटूथ स्पीकर ऐसे होते हैं जिनमें स्क्रू वगैरह आपको दिखेंगे नहीं, बिल्कुल हिडन होते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, हिडन है, दिखेंगे नहीं। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, कैप वगैरह तोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है, इसमें भी कहीं ना कहीं स्क्रू होते हैं। अब कहाँ पे होते हैं ये देखिए, इसमें जो जाली है इसके नीचे स्क्रू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फटाफट से यहाँ पर स्क्रू खोल के आपको दिखाता हूँ। इसमें चारों स्क्रू को मैंने खोल लिया है। अब यहाँ पर इसको खोलना है तो सबसे पहले इसमें स्टिकर है, इस स्टिकर को यहाँ पर देखिए हटाना होगा और यहाँ पर इनको हम कुछ देर के लिए रखते हैं किनारे, बाद में इसको चिपका देंगे इसी तरीके से। अब ये खुल जाएगा कुछ ऐसे। अब यहाँ पर इस पे हमें काम करना है तो उसको हम बाहर निकालेंगे, यानी कि इस कार्ड को बाहर निकालेंगे। ये बैटरी का है तो उसको ध्यान रखना है, सभी जो आप कनेक्टर को डिसकनेक्ट करेंगे तो एक बार ही देख लेना कि कौन सा कहाँ पर है, बाद में गलत कनेक्शन नहीं करने आपको। अब यहाँ पर जो चार्जिंग इसका पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, ये टूट के अलग हो चुका है यहाँ पर, यहाँ पर गिरा भी होगा, ये देखिए टूट के यहाँ पर गिरा हुआ और ये देखिए चिपका हुआ है। तो इसी साइज का मैं देखता हूँ जो इसमें बिल्कुल फिट आ सके, इसको यहाँ पर अटैच करूँगा। यहाँ पर इसके लिए मुझे ये वाला चार्जिंग जैक मिल चुका है, बट एक चीज़ है, इसका एक लास्ट वाला जो पॉइंट है वो टूटा हुआ है, तो इसमें हल्का सा एक वायर जोड़ के इसको लंबा करूँगा, बाद में इसमें इसके साथ में कनेक्ट करूँगा। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले चार्जिंग पोर्ट में या चार्जिंग जैक में लिक्विड सोल्डरिंग पेस्ट मुझे अप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पर सभी पॉइंट्स को इसके इस तरीके से देखिए कर लेना है। अभी क्या ना, ये अपने बोर्ड के साथ में सही तरीके से सेट होने में काफ़ी हेल्प करता है। अब वो पॉइंट जो टूटा हुआ है उसमें एक हल्का सा वायर जोड़ के इसको लंबा कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो वायर जुड़ दिया है, अब मैं इसको वहां पर सेट करता हूँ। तो यहाँ पर से मैंने अप्लाई कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं चार्जिंग जैक जिसको फिट करना है इसके जस्ट ऊपर इस तरीके से रख लेता हूँ। पहले मैं सही तरीके से चार्जिंग जैक को यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। इसके लिए मुझे इसमें सोल्डर पेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा और इसको सही तरीके से यहाँ पर मैं इसको फिक्स करना पड़ेगा। थोड़ा सा मजबूती इसमें देनी है क्योंकि बाद में इसको कोई भी ऐसे कोई जोर पड़े तो ये हिलना नहीं चाहिए, कुछ इस तरीके से मुझे इसे मजबूत करना रहेगा। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मुझे और भी इसमें देखिए ये फिक्स हो चुका है इस जगह पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको जितना हो सके मजबूती देनी है। अगर पूरी तरीके से अगर किसी तरीके से अगर डैमेज हो जाता है और इसके ऊपर कोई भी जैक सही से अटैच नहीं हो पाता है तो फिर आपको एक्सटर्नल वाला चार्जिंग जैक यूज करना है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मैं इसके मेन पॉइंट्स को यहाँ पर सोल्डरिंग करूँगा, जिसकी यहाँ पर देखिए इसका लास्ट वाला पॉइंट टूटा था तो इसको मैं यहाँ पर अभी कनेक्ट कर लूँगा। अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें प्लस माइनस का ही रोल है, इसमें बीच में डाटा का पिन का कोई भी इसमें रोल नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ चार्जिंग को एक्सेप्ट करता है, यूएसबी वगैरह इसमें से इसमें उसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ चार्जिंग के लिए होता है। तो इसमें प्लस माइनस इसमें मेन आपको जोड़ना है, बाकी अगर नहीं भी यहाँ पर इसके पॉइंट अगर नहीं भी होते हैं या टूट जाते हैं तो उनको इग्नोर कर दीजिए, बट प्लस माइनस के ज़रूर यहाँ पर पॉइंट होने चाहिए। तो चलिए इसको भी सोल्डरिंग करते हैं। तो प्लस माइनस को हमने सोल्डरिंग कर लिया है, प्लस में जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वायर आ रही है
इसको हम कट कर लेते हैं। और बाकी इसको और थोड़ा सा मजबूती इसको हम देते हैं। तो फाइनली इसको जोड़ने का काम हो चुका है और यहाँ पर देखते हैं सही तरीके से इसको हमने जोड़ लिया है। अब एक बार मैं इसमें इसको टेस्ट करता हूँ, तो इसको पावर ऑन कर दिया है, चार्जिंग का लाइट फिलहाल अभी नहीं जला है, तो एक बार मुझे यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा तभी जाके यहाँ पर कंफर्म हो पाएगा। उसके बाद ये देखिए बैटरी को हमने कनेक्ट कर लिया, तो चार्जिंग का लाइट यहाँ पर जल चुका है। इसको पहले डिसकनेक्ट कर लिया मैंने और कनेक्ट किया, तो यहाँ पर प्रॉपरली अभी ये चार्जिंग ले रहा है परफेक्टली। ये देखिए काफी मजबूती से हमने इसमें काम किया हुआ है, परफेक्ट तरीके से हो चुका है। तो चलिए अब इसको मैं जैसे मैंने ओपन किया था वैसे फिर से इसको जोड़ के इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब एक चीज और यहाँ पर है, देखिए जैसे बैटरी का तो हमने रेड कलर के इसमें कनेक्टर के साथ में जोड़ा है, अभी दो और बचते हैं, तो स्पीकर का नहीं, एक इसमें एलईडी का है एक स्पीकर का है। तो एलईडी आगे लगी हुई है इसमें, तो जो एलईडी का कनेक्टर है उसको आपने एलईडी वाले में लगाना है। देखिए इसके पीछे एलईडी लिखा हुआ है यहाँ पर, और स्पीकर जो उसको आपने यहाँ पर एस पी के वाले में जोड़ना है जिसमें एस पी या एस पी के लिखा हुआ है। देखिए इसमें एस पी लिखा हुआ है तो ये स्पीकर का है। तो इस तरीके से इसको जोड़ के हम फिर से इसको पैक कर लेते हैं। तो फाइनली इसे पैक कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली चार्ज हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना। थैंक यू।